इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, ये लिखा हुआ है, तो ये जो एक नंबर है इसमें से हमने क्या किया, हाफ सब्ट्रैक्ट किया। मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, यू गेट 1/8। तो हो क्या रहा है, इन्होंने बोला फाइंड व्हाट इज़ द नंबर। सबसे पहले आप कहो यहाँ पे, सबसे पहले आप बोलो लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है वो नंबर क्या है, हम उसको एक्स मान लेते हैं। ओके, अब वापस से देखो इसके अंदर, इन्होंने बोला इफ़ यू सब्ट्रैक्ट वन हाफ फ्रॉम द, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स माइनस हाफ, हमने हाफ सब्ट्रैक्ट किया है एक्स में से। मल्टीप्लाई द रिजल्ट, ये रिजल्ट है पूरा, इसको किससे मल्टीप्लाई करा, हाफ से, यू गेट 1/8। वो कह रहे हैं आपको मिला क्या, 1/8। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो हुआ क्या एक्चुअली में, हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, कि हमने x में से हाफ सब्ट्रैक्ट किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर आना चाहिए 1/8। तो क्वेश्चन हाफ से मल्टीप्लाई, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा हाफ x माइनस हाफ इंटू हाफ। अपने करा क्या, इस 1/2 को x से भी मल्टीप्लाई किया, इस 1/2 को इस 1/2 से भी मल्टीप्लाई किया, और ये आ गया 1/8। अब ये तो वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट टर्म को हम इधर लेके जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ x माइनस 1/4 इक्वल टू 1/8। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, जो मैंने पिछली बार पिछले स्टेप में बताया था। तो ये यहाँ पे इसका साइन माइनस है, तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले राइट हैंड साइड में एलसीएम दिया 8, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1+2। तो हाफ एक्स इज इक्वल टू 3/8। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हाफ है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 3/8 डिवाइडेड बाय हाफ, ऐसे हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 3/8। अब हम इस हाफ को, इस हाफ को जब चेंज करके मल्टीप्लीकेशन बनाएंगे, तो ये वाला जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 3/4। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लो पूरा, ठीक है, यहाँ पे फिर से समझ लो। इन्होंने बोला इस नंबर में से, इस नंबर में से हाफ सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि हाफ को माइनस करना है, ठीक है, और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। और उन्होंने बोला ये सब करने के बाद जो आपका आंसर आना है, आएगा वो 1/8 है, इसलिए हमने इसको इज इक्वल टू 1/8 लिख दिया। बस इसी को हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखा और हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व किया है, अच्छे से देख लो सारे स्टेप्स, कुछ बात ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो।